क्या WHO ने चीन के साथ मिलकर रची थी कोरोना वायरस की साजिश? ये सवाल हम नहीं बल्कि अमेरिका के साथ दुनिया के कई और मुल्क कर रहे हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर दुनिया से कहा कि कोरोना वायरस चीन की एक साजिश है, इसे लैब में बनाया गया है और अमेरिका के पास इसके सबूत भी हैं। इसके तुरंत बाद ही WHO चीन को बचाते हुए फ्रंट फुट पर आता है और कहता है कि कोरोना वायरस नेचुरल ओरिजिन का है, मतलब खुद से बना है और ना कि इसे किसी ने बनाया है। मेरे वीडियोज़ के कॉमेंट सेक्शन में इसी तरीके के अलग अलग कॉमेंट्स आते हैं, जैसे YouTube पर तेजांशु शर्मा ने लिखा कि चीन सुपर पावर बनना चाहता है इसीलिए उसने ऐसा किया। खैर, इस सब खिचड़ी में क्या है WHO का रोल? क्या WHO है पाक साफ या फिर है चीन का एक राजदार यानी कि बेस्ट फ्रेंड? इसी पर मिलेगा आज का बिन मांगा ज्ञान। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके पास सबूत है कि ये वायरस चीन की लैब में बना है, लेकिन चीन ने अमेरिका को साफ साफ बोल दिया है कि अगर आप अपने देश की स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं तो बिना किसी ठोस सबूत के हम पर यूं कीचड़ ना उछाले। और अब यूरोपियन यूनियन एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आने वाला है जिस पर सीधे तौर पर WHO और चीन को घेरा जाएगा। इस प्रस्ताव के ड्राफ्ट पर अभी काम चल रहा है। इसमें यूरोपियन यूनियन के देश WHO से सवाल कर रहे हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारी दुनिया को देने में WHO ने इतनी देरी क्यों लगाई। इन सभी देशों का सवाल है कि क्या WHO ने दुनिया से सच को छुपाया है? ट्रंप और दुनिया के कई और देशों के आरोपों पर WHO चीफ टेड्रोस एडहनॉम ने कहा कि दुनिया को आगाह करने में उन्होंने कोई देरी नहीं की। WHO ने 30 जनवरी को ही पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था। उस वक्त चीन से बाहर 82 केस ही मिले थे। जहां एक तरफ WHO ने ये साफ तौर पर बोला है कि कोरोना वायरस का नेचुरल ओरिजिन है, वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन के देश WHO के नेतृत्व में ही वुहान जाकर एक निष्पक्ष जाँच करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, ये ना केवल चीन बल्कि WHO के लिए भी एक अग्नि परीक्षा होगी। स्वीडिश हेल्थ मिनिस्टर लेना हेलेनग्रेन ने भी पिछले ही महीने ये साफ कर दिया था कि वो चाहती हैं कि इस पैंडेमिक के स्प्रेड में ना केवल चीन बल्कि WHO के रोल की भी जांच होनी चाहिए। ब्रिटेन के डिफेंस सेक्रेटरी बेन वेलेस ने भी कहा कि वो चाहते हैं कि चीन से WHO के किरदार पर तीखे सवाल किए जाए। इन सब का यही मतलब है कि कुछ ही दिनों में होने वाली WHO की सालाना मीटिंग में खुद को पाक साफ प्रूफ करने के लिए WHO को अच्छा खासा होमवर्क करके आना पड़ेगा। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ऐसा ही कुछ पॉलिसी नॉर्थ कोरिया ने भी अपनाई है। जहां एक तरफ दुनिया के तमाम देशों में चीन के प्रति गुस्सा है, तो वहीं दूसरी तरफ किम जोंग उन ने खुले तौर पर चीन की तारीफ की है। किम जोंग उन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एक मैसेज भेजा है। इसमें किम ने कोरोना वायरस के स्प्रेड को बेहतर ढंग से कंट्रोल करने के लिए बीजिंग को अप्रिशिएट किया है। फॉर ऑब्वियस रीजंस इससे डोनाल्ड ट्रंप को डबल मिर्ची ही लगी होगी। अमेरिका पहले ही कोरोना वायरस से जूझ रहा है और उसे चीन और नॉर्थ कोरिया का ये याराना भी अब झेलना पड़ रहा है। खबर तो ये भी आई थी कि चाइना ने दुनिया के आगे अपनी इमेज सुधारने के लिए जर्मनी से भी रिक्वेस्ट की थी कि वो चाइना की तारीफ करते हुए स्टेटमेंट रिलीज करे कि चीन ने कोरोना वायरस से निपटने की दिशा में बेहतरीन काम किया है। लेकिन जर्मनी ने इस वक्त ऐसा झूठा PR करने से साफ मना कर दिया है। खैर, वापस से WHO के किरदार पर आते हैं। अगर मान भी लिया जाए कि कोरोना वायरस नेचुरल ओरिजिन का है, तो कुछ सवाल है। पहला ये कि चीन में जिन लोगों ने वुहान लैब के बारे में लिखा या बोला, वो कहाँ गायब हो गए? और कोरोना से जुड़ी सही सही जानकारियों को लेकर इतनी आंख मिचोली चीन ने आखिर क्यों खेली? सिर्फ यही नहीं, ऐसा लग रहा है कि WHO ने चीन के लिए काफी अच्छी बैटिंग कर रहा है। WHO ने तो यहाँ तक कहा कि ये अभी क्लियर नहीं हुआ कि कोरोना वायरस का ओरिजिन वुहान के फिश मार्केट से ही हुआ है या फिर यह महज कोइंसिडेंस है। कोरोना वायरस का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और ये तो साफ है कि दुनिया के बाकी देशों के निशाने से चीन और WHO ज़्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा। और अगर चीन और WHO ने साथ मिलकर कोई भी खिचड़ी पकाई है, तो इतनी आसानी से क्लीन चिट तो नहीं मिलने वाली है। बाकी तेजांशु शर्मा की तरह आप भी अपनी राय हमें ज़रूर बताएं हमारे कॉमेंट सेक्शन में। हम आपके कॉमेंट के साथ आपको बनाएंगे अपनी अगली वीडियो का हिस्सा। तब तक देखते रहिए ABP अनकट और रखिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। ABP News, आपको रखे आगे।